राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के उदयपुर पहुंचने पर उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अचानक सकते में आ गए। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर चल रही तैयारियों के बीच किरोड़ी का आना उदयपुर प्रशासन को आशंका में डाल गया। ऐसे में आनन फानन में अधिकारी किरोड़ी मीना जहां ठहरे हुए थे वहां पहुंचे और उनको जयपुर जाने के लिए कहा। इस पर किरोड़ी मीना आक्रोशित हो गए और उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है? क्या वे अपने कार्यकर्ता के परिवार से मिलने नहीं आ सकते? क्या किसी के यहाँ बैठक करने नहीं आ सकते? क्या ठहर नहीं सकते? ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत उन्हें यहाँ रुकने से मना किया जा रहा है? इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उनके पास आदेश है। तब किरोड़ी मीना ने आदेश की कॉपी मांगी। आदेश की कॉपी नहीं मिलने तक वे होटल के कमरे की कुर्सी पर बैठे रहे और अधिकारियों से सवाल जवाब करते रहे। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी ने किरोड़ीलाल मीना के साथ समझाइश कर उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। हालांकि किरोड़ीलाल मीना को पुलिस किस जगह लेकर गई, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का नव संकल्प शिविर शुरू होने वाला है। इसी कारण प्रशासन पूरा मुस्तैद है। किसी भी तरह की अड़चन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यही कारण है कि किरोड़ी मीना के उदयपुर पहुंचने पर प्रशासन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता और उन्हें उदयपुर से दूर रखना चाहता है।